तो ये देखिए यहाँ पर कैमियो 4 प्लॉटर है जो अभी मैंने ऑन नहीं किया है। यहाँ पे पावर केबल लगाया है और इसको पहले सबसे पहले लाइन में पावर केबल कनेक्ट कर देना है। और ये जो है यूएसबी पोर्ट, यूएसबी केबल है, यहाँ पर इस साइड में लगता है और यहाँ पे पावर बटन है, ठीक है। तो पावर बटन एक बार प्रेस करेंगे, ये ऑन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ डिस्प्ले आ चुका है और ये आपका जो प्रिंटर है, प्लॉटर है, रेडी हो रहा है। यहाँ पे कैमियो का लोगो आ गया है। तो इसको सबसे पहले इस तरह से ट्रे को उठाते हैं और इसको अंदर की तरफ इस तरह से प्रेस कर देते हैं। यहाँ पर ब्लेड लगा हुआ है, ब्लेड लगाने इसको निकाल भी सकते हैं। निकाल करके यहाँ पर इसका ट्रे होता है, ये यहाँ पे उसको ट्रे का जो रेस्ट एरिया है, इसका जो ब्लेड है इसको निकाल के यहाँ पे रखने के लिए दिया हुआ है एक जगह में। और यहाँ पर बटन है, इससे आपको ये जो है एडजस्ट होता है। तो अभी जब हम विनाइल लगाएंगे तो उसको हम एडजस्ट करेंगे, ठीक है। और इसके अंदर ब्लूटूथ भी रहता है। ब्लूटूथ रहने से क्या होगा कि आप अपने मोबाइल से भी कनेक्ट करके इसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो अभी पहले मैं कंप्यूटर से कर लेता हूँ, इसको हम पीसी में लगाते हैं। पीसी का यूएसबी में लगा दिया है हमने, यहाँ पर अभी इंडिकेट कर देगा कि आपका जो है वो कनेक्ट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर हम सबसे पहले डिजाइन कर लेंगे। तो ये एरिया में मैंने डिजाइन कर लिया है, ये जो मार्क आपको दिख रहा है यहाँ पे वेलकम टू फूड मार्ट लिखा हुआ है, ठीक है। इसको अब हम कट करके आपको दिखाएंगे कि किस तरह से कटिंग करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले डिजाइन रेडी कर लेना है। टेक्स्ट यहाँ पर से टेक्स्ट लेकर के, ये जो टेक्स्ट है टेक्स्ट को लेकर के यहाँ पे लिख लेना है। जो भी आपको फॉन्ट चेंज करना है तो फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, सारा कुछ नॉर्मली काम करता है। उसके बाद यहाँ पर सेंड बटन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिखा देगा कि ये एरिया जो है वो कट होगा, जो भी रेड से किया हुआ है वो आपका एरिया कट होगा। तो अभी मीडिया वहाँ पे लोड नहीं है, इसलिए नो मीडिया लोडेड यहाँ पे दिख रहा है आपको, क्योंकि अभी मैंने विनाइल वहाँ पे लगाया नहीं है, ठीक है। वो सब लगाने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ब्लेड का जो डेप्थ है वो आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे ब्लेड का डेप्थ को जो है हम 2 नंबर पे रख लेते हैं, क्योंकि 2 नंबर काफ़ी है इस विनाइल के लिए। ऑटो ब्लेड डिटेक्टेड यहाँ पे दिख रहा है, मतलब कि उसमें जो ब्लेड लगा हुआ है वो ऑटो ब्लेड है। एक ऑटो ब्लेड होता है, एक मैनुअल वाला ब्लेड होता है। तो यहाँ पे ऑटो ब्लेड लगा हुआ है जो कि ऑटोमेटिक एडजस्ट करता है अपने आप, वो चीज़ यहाँ पे लगा हुआ है। स्पीड यहाँ पे देख लेंगे, फोर्स वगैरह सब कुछ देख लेंगे, स्पीड फोर्स ये सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये सब अभी ज़्यादा छेड़छाड़ हम नहीं करेंगे और सीधे कट मारेंगे। तो पहले हम मीडिया को लोड करते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो ये मीडिया, इसी को मीडिया बोलते हैं, विनाइल है ये, ठीक है। तो ये स्टिकर वाला विनाइल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टिकर काफ़ी अच्छा है। और यहाँ जहाँ पर भी आप स्टिकर को चिपकाएंगे तो काफ़ी अच्छा से चिपक जाता है, मतलब बहुत ही ज़बरदस्त इसका ग्लू होता है। तो यहाँ पर हम जितना इंच में बनाए हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमने 12 इंच में बनाया है। तो ये 12 इंच का मीडिया आपको उस पर लोड करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं, 12 इंच का मीडिया ये वाला हो गया 12 इंच, तो इसी को हम लोड करेंगे। तो 12x7 इंच में बना हुआ है ना। तो हम 8 इंच काट लेते हैं इसको इस तरह से। तो इस तरह से इसको हम रखते हैं साइड में और ये 8 इंच का मीडिया जो है वो कट हो गया है विनाइल। तो इसको हम अभी इसमें लोड करेंगे। तो देखिए कैसे लोड करना है। पहले डस्ट वगैरह ये सब साफ कर लेते हैं। इसको सबसे पहले उठाना है, ये गियर है, ठीक है। यहाँ पर इसको सबसे पहले इस तरह से उठ करेंगे तो ये वाला जो है थोड़ा सा उठ जाता है, अप हो जाता है। तो इसको हम यहाँ पर जो मार्किंग दिया हुआ है इस मार्किंग से ही आपको लगाना है। यहाँ पर इसको ये लॉक वाला बटन को दबा करके आप इसको घसका सकते हैं इधर उधर, जहाँ पर भी आपको एडजस्ट करना है। तो यहाँ पर हम एडजस्ट कर लेते हैं इसको, एक यहाँ पर रखते हैं एक यहाँ पर रखते हैं। ये थोड़ा सा पेपर को जो है वो प्रेस करके रखे रहता है, अंदर की तरफ दबा के रखता है। इस तरह से हो गया। तो यहाँ से हम लगा देते हैं इसको सीधा एकदम देख करके इस तरह से, और इसको प्रेस कर देंगे एक बार, बस वो ऑटोमेटिक ले लेगा। देखिए टेढ़ा हो गया, इसका मतलब ये सही से नहीं बैठा, यहाँ पे नहीं बैठा। तो इसको फिर से वापस ले लेते हैं। तो ये सीधा आपको देख लेना है एकदम इस तरह से, ठीक है। चलो ये लोड हो गया। अब हम वहाँ से कमांड देंगे, यहाँ पर आप देखिए कि कमांड किस तरह से देना है।
तो यहाँ पर अब जैसे ही लोड हुआ यहाँ पे आपको ग्रीन सिग्नल मिल गया है रेडी का। यहाँ पर आप टेस्ट बटन भी दबा सकते हैं, ठीक है। तो टेस्ट हमको नहीं दबाना है, नहीं तो टेस्ट कुछ उसमें कट हो जाएगा। तो यहाँ पर वेलकम टू फूड मार्ट हो गया है, और यहाँ पर बस आपको कुछ नहीं करना है, सीधे सेंड करना है। यहाँ पे ब्लेड का डेप्थ जो है वो चूज करना है, तो हम 2 नंबर 3 नंबर नहीं रखते हैं, नहीं तो पेपर भी कट हो जाएगा। ये 2 नंबर काफ़ी है उसका जो डेप्थ है। उसके बाद सेंड बटन पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे सेंड बटन है, इसको क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए कटिंग आउट ब्लेड जो है ऑटोमेटिक एडजस्ट करने लगा है, उसके बाद अब कटिंग चालू हो गया है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितना शार्प और कितना एकदम एग्जैक्ट, जहाँ पर हमने यहाँ पे कमांड दिया था एकदम सेम उसी तरह से कट कर दिया है, और काफ़ी अच्छा कटिंग हुआ है, कोई दिक्कत नहीं हुआ है। यहाँ पर एक थोड़ा सा दिक्कत आया है, ई जो है वो छोटा हो गया है। छोटा होने का रीज़न इसलिए ई छोटा हुआ है क्योंकि जो थोड़ा सा किनारे पेपर जो है प्लास्टिक जो है ये वाला विनाइल वो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया था, जिसके वजह से वो, तो ये इसीलिए आपको ध्यान देना है और अच्छे से मतलब पेपर का साइज थोड़ा सा बड़ा ही रखना है, क्योंकि अगर थोड़ा सा छोटा रखेंगे तो उसमें दिक्कत आ सकता है। तो इस ई को हम फिर से एक बार कटिंग कर लेंगे और आपको फाइनल रिजल्ट आपको फिर लास्ट में हम दिखाएंगे। तो इसको इसकी मदद से हम यहाँ पर इसको ओपन कर लेते हैं, सब कुछ को उखाड़ देंगे, सिर्फ टेक्स्ट को यहाँ पर रहने देंगे, बाकी सबको निकाल लेंगे। अगर ये कटिंग नहीं होता तो जो डेप्थ हमने सेट किया था कंप्यूटर में वो डेप्थ को बढ़ाना पड़ता। जैसे कि अगर आप कटिंग करते हैं, अगर इसका थिकनेस ज़्यादा रहता विनाइल का, तो आपको डेप्थ जो 2 नंबर से 3 नंबर करना पड़ता, तो आपका फिर कटिंग हो जाता सही से। लेकिन ये मैं जान रहा हूँ कि 2 नंबर में इसका डेप्थ जो है वो सही है, तो इसीलिए मैंने 2 नंबर रखा था। तो अब देख सकते हैं कितना अच्छा फिनिशिंग आया है, काफ़ी अच्छा एकदम शार्प एजेस इसका कटा है, कटिंग भी बहुत अच्छा से हुआ है। और सारा मैंने वेस्टेज पार्ट को निकाल लिया है, और इसको अब लंबा मतलब लगाएंगे तो यहाँ से हम कट कर लेंगे और कट करके इसका सीधा लगा देंगे। और जो ये ग्लास आपको दिख रहा है, इस टाइप का ग्लास है एक कस्टमर का दुकान में, जो गेट है लगा हुआ ग्लास का, वहाँ पर हमको लगाना है। ये जो उनका दुकान का नाम है फूड मार्ट, तो वेलकम टू फूड मार्ट वहां पर लगाना है। तो लगा करके आपको फिर हम आपको फाइनल रिजल्ट दिखाते हैं। तो यहां पर हमने पहले इसका जो टेप है, इसका टेप अलग आता है, वो टेप हमने लगा लिया है और एक लंबा जैसा बना लिया, लंबा शेप दे दिया है। अब इसको इसको ये वाला को निकालेंगे और यहां पर जो आप देख सकते हैं इस तरह से ये टेप के अंदर आ जाएगा, और उसके बाद हम यहां पर इस एरिया में लगा देंगे। देखिए तो इस तरह से ये सीधा हो गया एकदम, अब इसको लगा देना है सीधा एकदम यहाँ पर अलाइनमेंट मिला करके। तो यहाँ से हम स्केल से मतलब इंच टेप से इसको नाप लेते हैं, यहाँ पे 5 फीट पे हल्का सा मार्क कर देते हैं ताकि इसका जो ये सीधा रहे। तो दोस्तों देखा आपने कैसे हमने मशीन की मदद से काफी अच्छे से कटिंग कर लिया है लेटर को, लेटर वाइज, और उसको किस तरह से हमने चिपकाया है वो भी आपने देखा, काफी अच्छा लगा। तो अगर आप अपने बिजनेस में इस चीज को ऐड करना चाहते हैं, अगर आपका प्रिंटिंग का शॉप है या किसी भी तरह का प्रिंट से मीडिया से रिलेटेड शॉप है या एडवर्टीजमेंट कंपनी का शॉप है, तो आप उसको इस चीज को आप अपने बिजनेस में ऐड कर सकते हैं और अपना प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की टेक्निकल वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।